स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में, आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। पबजी वाला प्यार सीमा हैदर को करीब 15 लाख का पड़ा है। इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आपको पड़ोसियों के दावे वाला वो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें रबुपुरा में सचिन के पड़ोसी बता रहे हैं कि सचिन की गिरवी जमीन कैसे सीमा हैदर ने अपने पैसों से छुड़ाई। कर्ज के साथ राशन का बकाया रुपया भी सीमा ने अपने पैसों से चुका दिया, यानी कि सीमा सचिन के परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं इस पर। कर्जा तो था ही। अच्छा, सचिन आ रहे इनके पिता को बनिए का दिया पे फिर घर छोड़ा। मुझे लग रहा कम से कम सीमा ने इनके 10 लाख रुपए दे दिए होंगे उधार के। और ज़्यादा पेटीएम करते रहिए यार, मगर ये इनके लिए सच्ची है पूरी सीमा। सीमा इनके लिए सच्ची है, मगर मुझे इनका भरोसा नहीं है। बात कर इनके समझ लो जिंदगी के दुख हर लिए ने सीमा ने, क्योंकि इसका जो सीमा का पति था इसको हर महीने 70-80 हज़ार रुपये दिया करता था। वो तो सब पता है। जमीन यही थी, यही वाली जमीन थी छुड़वाई थी। ये वाली जमीन ना जिसमें रह रहे हो। अच्छा, यही है। दो में आ रहे हो रहे हो तो दो दो तीन तीन कमरे होंगे इसमें। तो लाइट भी तो नहीं है इनके घर में, एक ही लाइट है। अच्छा अच्छा, इनकी तरफ से पैसा, इनकी तरफ से पैसा, सीमा की तरफ से मोहब्बत है। ब्याज के दोबारा खाता चालू होगा। 5-6 लाख रुपए में घर के दिया है। हैदर को लेकर इंडिया न्यूज आपको एक ऐसी जानकारी देगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। अब तक ये जानकारी किसी चैनल पे नहीं है और ना ही किसी ने बताया। जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप सुन के सच में हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो उसने सचिन के परिवार की कई मुश्किलें कम की। ग्रामीण के एक बातचीत में हमें पता चला कि किस तरीके से जो सीमा ने इनके ऊपर तकरीबन 12 से 15 लाख का जो कर्ज था वो सीमा ने धीरे धीरे चुकाए। वहीं एक ऐसी जानकारी जो सच में आपको लगेगा सीमा का दिल बहुत बड़ा है। सचिन का जो ये आप घर देख रहे हैं, ये घर गिरवी पे था। जो सचिन के पिता है वो उन्होंने इस घर को गिरवी पे रख दिया था और किसी से 10 से 15 लाख रुपए उधार लिए थे। वहीं जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने तुरंत सचिन के अकाउंट में पेमेंट डाला, जो कि सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते थे, जिसके बाद इस घर के कागजात जो छुटाए सचिन के पिता ने। वहीं एक और जानकारी ये मिली कि हमें जिस तरीके से जो सचिन का परिवार था इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था और कर्ज के चलते ये लोग काफ़ी परेशान थे। जैसे पता चला ये सीमा को, तो धीरे धीरे जो सीमा हैदर है वो सचिन के अकाउंट में पैसे डालते गई ताकि ये अपने कर्ज हटा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लोग हैं ये बताते थे जिनके घर पे काफ़ी बकायेदार वाले आते थे इनसे लड़ते थे, मगर जब ये बात सीमा को पता चली तो सीमा ने सारे कर्ज उतार दिए। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, ग्रेटर। सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहना चाहती है और वो हिंदुस्तान में ही मरना चाहती है। अपने बच्चों का भविष्य जो है सीमा हैदर वो हिंदुस्तान में देखना चाहती है। लेकिन शुक्रवार को करीब 10 बजे सुबह में सीमा हैदर, सचिन, मीना और सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ जब ATS और रबुपुरा की जो पुलिस है वो लेकर जब सीमा हैदर को यहाँ पर लेके पहुँची थी, उसके बाद से मीडिया और आसपास के लोगों का जमावड़ा काफ़ी हो गया था। और उसको उसके बाद लगातार मीडिया से बात करने के बाद, जिस तरीके से कल मौसम ख़राब हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसको लेते हुए सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। रात में ही सीमा हैदर को डॉक्टर के पास ले जाया गया था। उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास सीमा हैदर को फिर डॉक्टर्स के पास यहाँ पर लेके आया गया था। ये जानकारी जो है पूरा पुलिस की तरफ से दी गई थी। सीमा को इस वक्त ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन और जिस तरीके से इस वक्त गर्मी है, उमस वाली गर्मी, उसको लेकर सीमा हैदर की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल भी इंडिया न्यूज़ से बात करते वक्त सीमा हैदर ये बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ देर रेस्ट करना चाहती हैं। एक तरफ जहां सीमा हैदर को लेकर कई सवाल जो हैं ATS के पास अभी भी उसका जवाब नहीं मिला, वहीं दूसरी तरफ इंडिया न्यूज़ से बात करते वक्त सीमा हैदर ने यह कहा था कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है, वो अपने बच्चों का जो भविष्य है वो हिंदुस्तान में देख रही है और वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है। सीमा हैदर ने कहा कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है।
वहीं सऊदी अरब के पवित्र स्थान काबा से सीमा के पति गुलाम हैदर ने सीमा के आरोपों पर सफाई दी। गुलाम ने कहा कि मैंने योगी सरकार से अपील की है कि मेरी पत्नी और बच्चों को वापस भेजा जाए। सीमा गलत है तो सिर्फ सीमा को सजा मिले। सरकार की आंखों में धूल झोंक रही है सीमा, गुलाम हैदर ने कहा। सीमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सीमा नहीं आई तो मैं हिंदुस्तान आऊंगा। भारत के लोग अच्छे हैं, मेरे बच्चे नहीं, सीमा है सजा की हकदार। गुलाम हैदर की तरफ से ये बातें कही गई। पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर को लेकर उसके पति गुलाम हैदर का एक ही कहना है कि सीमा को डिपोर्ट करिए पाकिस्तान, यानी कि जो सीमा है बच्चों समेत उसको पाकिस्तान लाना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेजिए। भारत सरकार से भी वो गुहार लगा रहे हैं, बार बार हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजिए। भैया आप ये बताइए, जो सीमा के पति हैं गुलाम हैदर, उनका ये कहना है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान। क्यों डिपोर्ट क्यों करें? जिस दिन सीमा जी आई थी उस समय कहाँ थे वो? अगर जो सही से रखते तो यहाँ क्यों आती? और जब यहाँ आई हैं तो फिर यहाँ रहेंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनसे। वो ये कह रहे हैं कि सीमा अपने चार बच्चों के साथ आई है, सचिन उनका कैसे पालन पोषण करेगा? ये सवाल गुलाम हैदर का है। क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, जब उसने उनको मान लिया, स्वीकार कर लिया है तो करेगा, क्यों नहीं करेंगे? अंकल जी ये बताइए, गुलाम हैदर यानी कि जो सीमा के पति हैं उनका ये कहना है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए पाकिस्तान, यानी कि भिजवाइए, और उनका ये भी सवाल है कि सचिन कैसे उनका पालन पोषण करेगा जो चार बच्चे आए हैं? अब वो तो भैया कुछ सोच समझ के ही लाया है, वो जब सीमा लाया तो चार बच्चे इनका भी पालन पोषण करेगा, वो तो उसकी जिम्मेदारी है सचिन की, कैसे पालन पोषण करेगा। सचिन सक्सेस में कमा तो माता था इससे पहले? हाँ, 10-12 हज़ार रुपये महीना लाला की दुकान पर रहता था। सचिन की कोई खेती, पुरानी जमीन? नहीं, पुरानी जमीन नहीं है सचिन पे। भाई साहब ये बताइए, गुलाम हैदर जो सीमा के पति हैं पाकिस्तान में, वो यही कह रहे हैं भारत सरकार से कि सीमा को डिपोर्ट करिए, यानी कि उनका ये कहना है कि सीमा को भिजवाइए। दूसरा ये सवाल है कि सचिन कैसे उनको यहाँ पाल सकता है? नहीं देखिए, यहाँ पे कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट की तो कोई कमी है नहीं, और वो भी जेवर जैसे एरिया में, ठीक है। और मैं ये जो सीमा हैदर जी जो हैं, उन्होंने खुद बोला था कि मतलब कोई मीडिया वाला पूछ रहा था कि कुल सैलरी 13,000 रुपये, उन्होंने कहा कि मेरे लिए काफ़ी 13,000 रुपये पाकिस्तान के, अगर वो ये बोलने की सैलरी का काम है यहाँ पर, तो यहाँ उसकी बहुत है, वो मतलब यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी है नहीं यहाँ पर। अगर उनको ये दिमाग में है कि चलो वो भूखे मर जाएंगे, तो कोई बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी यहाँ पर है नहीं। भैया एक तरफ बार बार सीमा ये कह रही है कि अगर वो पाकिस्तान जाएगी उसको बॉर्डर पर ही मार दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जो गुलाम हैदर है जो सीमा के पति, वो कह रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान भिजवाइए, क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान तो वो नहीं जाएगी, अब पाकिस्तान में तो उसको मार दिया जाएगा, अब हिंदुस्तान में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब वो यहीं रहेगी। हाँ, यहीं रहेगी। ATS जांच चल रही है, अगर ATS में वो जासूस जैसे बोलने पाई गई तो उसको सजा मिलेगी, जेल होगी। अगर जासूस नहीं पाई गई तो अपना यहीं रहेगी वो। हाँ बिल्कुल, आर्थिक मदद कर रहे हैं उसकी, और ऐसी बात नहीं है, सचिन भी अपने घर से अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पाल लेगा अपने बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रघुपुरा का ये गांव है, सचिन का घर आगे ही है, और गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जो सीमा है वो ये भारत ही रहेगी। जांच पूरी हो जाती है, अगर सीमा सही साबित होती है तो ये रघुपुरा यानी कि जो ये गाँव है सीमा को अपना बहू मान लिया है, और अगर जाँच सही होती है, मतलब अगर सीमा उसमें दोषी नहीं पाती तो ये उसका स्वागत करेंगे धूमधड़ाके से, फिर एक बार बारात निकालेंगे। दूसरी तरफ जो गुलाम हैदर बार बार ये कह रहा है कि सीमा को डिपोर्ट कीजिए, यानी कि सीमा को पाकिस्तान भिजवाइए, मगर सीमा का ये भी कहना कि अगर मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो उसको जिंदा मार दिया जाएगा। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि सीमा भारत रहेगी या सीमा पाकिस्तान जाएगी, सीमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या सीमा को अभी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही, तमाम चीज़ें हैं, जाँच पर निर्भर रहेंगी।